ये हो गई हमारी DRL चालू और हेडलाइट भी हो गई हमारी चालू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे कने आई है एक CUV 500। इसकी DRL बंद है हेडलाइट की और हेडलाइट के दो पॉइंट भी बंद है, तो इसको चालू करेंगे हम। चेक कराता हूँ मैं आपको। पार्किंग पे इसकी DRL चल जाती है, ये मैं पार्किंग पे करता हूँ इसको। यहाँ पर हेडलाइट और DRL दोनों साथ में चलेगी और यहाँ पर सिर्फ DRL चलेगी। चेक कराता हूँ मैं आगे से आपको। ये DRL इसकी दोनों बंद है, उस साइड की भी दिखाता हूँ, यहाँ की भी बंद है। तो सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करेंगे हम। अंदर इसका फ्यूज़ आता है, फ्यूज़ दिखाता हूँ मैं। इसका फ्यूज़ बॉक्स एक कवर के अंदर आता है। ये कवर हम पकड़ के इस लेंगे तो इसी के इसी बाहर आ जाएगा। तीन स्क्रू पे कसा हुआ रहता है कवर, मैंने खोल रखे इसके स्क्रू। ये रहा स्क्रू, एक ये रहा। तो ये लगा हुआ इसका फ्यूज़ बॉक्स। इसका डायग्राम इसके कवर पे आता है, ये रहा डायग्राम। इसमें पार्किंग वाला हमको फ्यूज़ देखना है, ये वाला पार्किंग पार्क लिखा है इस पर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये वाला हमको फ्यूज़ चेक करना है, निकालता हूँ मैं। तो DRL की रिले भी आती है, वो भी बताऊँगा मैं कहाँ आती है, आगे फ्यूज़ बॉक्स पे आती है वो दिखाऊँगा मैं अभी। ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको फ्यूज़ उड़ा हुआ। इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी आते हैं, ये लगे हुए एक्स्ट्रा फ्यूज़, ये लगे हुए। इसमें से हम निकाल लेंगे 10 एम्पियर का फ्यूज़। तो निकाल लिया मैंने ये वाला फ्यूज़, लगाता हूँ मैं इसको। फ्यूज़ लग गया है अच्छे से। अब चेक कराता हूँ मैं आगे से आपको DRL। इसको पार्किंग पे कर दूँगा मैं, पार्किंग पर ही है ये। चेक करते हैं अब DRL हो गई होगी चालू। ये हो गई हमारी DRL चालू, ये दिख रही होगी आपको। ये दोनों DRL हमारी चालू हो चुकी है। अब हेडलाइट चेक करेंगे इसकी। हेडलाइट के भी दो पॉइंट बंद है इसके। चालू करके इसको अपर पे कर देंगे, ये अपर की लाइट जल रही है, चारों पॉइंट चल रहा है। अब चेक करते हैं कौन सा पॉइंट बंद है, कौन सा चालू है। तो इसकी डीपर लाइट राइट वाली चालू है और अपर वाली लेफ्ट साइड की चालू है। दो बल्ब बंद है इसके अंदर, इसके भी फ्यूज़ आते हैं, मैं फ्यूज़ दिखाता हूँ आपको। फ्यूज़ ही उड़े होंगे इनके भी, अगर फ्यूज़ नहीं उड़े होंगे तो फिर हम बल्ब चेक करेंगे इसके। ये रहा इसका फ्यूज़ बॉक्स, इसके अंदर ही जो फ्यूज़ आते हैं हेडलाइट के, वो इसके अंदर ही आते हैं। दो तरफ से लॉक में लगा हुआ रहता है ये। ये इसका डायग्राम है और फ्यूज़ बॉक्स ये रहा इसका, सब फ्यूज़ इसी के अंदर है। DRL की जो रिले आती है वो ये रही K2 लिखा हुआ है, इस पर DRL लिखा हुआ है। इसकी जो रिले आती है वो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर आती है, ऊपर नहीं आती, ये लिखा K2। यहाँ पर आप ढूंढोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो रिले, इनमें से कोई सी भी रिले नहीं है। वो इसके अंदर आती है, फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ये इसके अंदर रहती है। हॉर्न की रिले भी इसके अंदर ही रहती है। ये बोल्ट खोलने से फ्यूज़ बॉक्स बिखरता है, उसके बाद ही वो रिले बाहर आती है इसकी। तो ये जो हेडलाइट का फ्यूज़ है, लो बीम वाला चेक करना है। लो बीम LH जो लिखा है वो लेफ्ट हैंड हो गया और RH जो लिखा है वो राइट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड का हमको फ्यूज़ चेक करना है। EF2 जिस पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड वाला फ्यूज़ चेक करना है, ये लिखा हुआ वो EF2। और फ्यूज़ इसका जो ये रहा ये लगा हुआ 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये वाला फ्यूज़ निकालना हमको, इसको चेक करना है। इसमें क्लिप आती है हर फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ निकालने की, इसको सिंपल ऐसे लगा के और पकड़ के हेस देना है तो हमारा फ्यूज़ बाहर आ जाएगा। ये हमारा फ्यूज़ आ गया बाहर। तो ये फ्यूज़ भी इसका उड़ा हुआ है, दिख गया है मुझे, दिख रहा होगा आपको कैमरे में उड़ा हुआ लो बीम वाला लेफ्ट हैंड वाला। तो ये हम चेंज करेंगे, 10 एम्पियर का लगाएंगे इसके अंदर। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज़ आते हैं तो मैं 30 एम्पियर का लगा दूंगा। ये वाला फ्यूज़ लगा दूंगा, अगर 30 एम्पियर का भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे लगा सकते हो आप। ये लगा दिया मैंने। चेक करते हेडलाइट, हेडलाइट्स हो गई होगी हमारी चालू लेफ्ट हैंड की। ये हमारी लेफ्ट हैंड की दोनों लाइट चालू हो गई है, एक तो चालू थी, ये वाली बनती है चालू हो गई है। अब ये वाली बंद है, ये वाली चेक करेंगे अब। इसमें जो हाई बीम का जो फ्यूज़ है, जो हमारा एक बल्ब बंद है उसका फ्यूज़ एक ही आता है, दोनों लाइटों का फ्यूज़ हमारा सही होगा जो ये हाई बीम लिखा हुआ है। फ्यूज़ अगर उड़ जाता तो हमारी लेफ्ट साइड की लाइट भी नहीं जलती, तो हमारा वो बल्ब शॉर्ट होगा। बल्ब चेक करेंगे निकाल के। तो इसका मैं बल्ब निकालता हूँ, इसके पीछे एक कवर आता है, कवर निकालना पड़ता है, बल्ब लॉक में बैठा हुआ रहता है।
ये रहा वो कवर, इसको पकड़ के हम हिच लेंगे, ये जो दिख रहा है इसको पकड़ के हिच लेंगे तो कवर निकल जाएगा हमारा। लॉक में बल्ब बैठा रहता है तो मैंने बल्ब निकाल लिया है। बल्ब इसका शार्ट है, ये लोकल बल्ब है इसलिए जल्दी शार्ट हो गया। इसमें हमेशा ओरिजिनल बल्ब डालना पड़ते हैं। ओसाराम का मैं ओरिजिनल बल्ब लेके आया हूँ, कंपनी से भी यही लगा हुआ आता है, लोकल बल्ब 2-4 महीने ही चलते हैं बस। तो बल्ब मैंने फिटिंग कर दिया, चेक करा दूँगा आपको, चालू करके हेडलाइट चालू कर दूँगा, अपर पॉइंट भी इसका चालू कर दूँगा। तो ये हो गई हमारी DRL चालू और हेडलाइट भी हो गई हमारी चालू। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी।